मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज डे अनदर डे। और मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है, मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। सुबह सुबह ना पूजा करने के बाद ही दिन बहुत पॉजिटिवली बीतता है। आप लोग जरूर करना, अगर आप नहीं करते हो। मेरी गले में थोड़ा खिचखिचा हो रही है। यहाँ क्या ईस्ट कोस्ट होने की वजह से सुबह का वक्त बहुत ही ज्यादा धूप रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने वाली मार्च से। बट रात में ना बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ठंड सी लग जाती है और फुल स्पीड में फैन रहता है। एसी की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। मैं खा रही हूँ मोस्टली विदाउट मिल्क, और आप लोग बताओ आप लोगों को कितना अच्छा लगता है विदाउट मिल्क खाने में। मुझे तो बहुत मजा आता है मोस्टली विदाउट मिल्क खाना। तो गाइज मैं बना रही हूँ अब गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। सो गाइज आज कुछ स्पेशल बन रहा है। पुष्कर बना रहे अपने लाडो रानी के लिए घर का हेल्दी कुकीज, बिकॉज उसको बहुत पसंद है कुछ स्नैक्स वगैरह खाना। तो हम लोगों ने बंद कर दिया, घर पे ही कभी भी मौका मिल जाता तो बना देते हैं। महीने में दो बार बन गया तो काफ़ी है उसके लिए। और ये इसमें है इन्ग्रीडियंट 100% आटा फॉर श्योर, एंड इसमें बटर है और इलायची पाउडर डाल दो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मीठा करने के लिए पुष्कर ने यूज़ किया जैगरी, बोले तो गुड़ पाउडर, और बस उसमें शुगर भी नहीं है। तो कितना हेल्दी हो गया बच्चों के लिए, और हम लोग तो अलग से हेल्दी हमें तो खाना ही खाना है। एज आप लोग को पता है पुष्कर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए भी अच्छा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बस ओटीजी में जाएगा और 15 से 20 मिनट में रेडी। तो गाइस सुबह उठने का एक फायदा तो होता है कि आप फटाफट काम जो भी होता है ना तो आप फटाफट कर लेते हो। पहले तो मैं बना रही हूँ लंच, फिश बना रही हूँ, और पूरा रेसिपी नहीं बताऊंगी बिकॉज ऑलरेडी हम मेरे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हो। तो मुझे लंच बनाना है, मिलती हूँ आपको लंच के बाद। A few moments later. So hey guys, back to channel, which is day another day. और मैं जा रही हूँ, एक मीटिंग है बगल में ही है, जिस मेरे घर से 1 किलोमीटर है। सो पुष्कर घर पे रहेंगे, बेबी को देखना पड़ेगा। ये होता है डिमेरिट्स न्यूक्लियर फैमिली का, अगर ज्वाइंट फैमिली होती तो दादा दादी नाना नानी ये सब देखते। तो बस यही चलता है, कभी पुष्कर ऑफिस जाते हैं मैं श्री को देखती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ पुष्कर देखते हैं। सो यही चल रहा है। तो अभी करेंटली ये फेज चल रहा है लाइफ का। मैं जाती हूँ अपना कार ढूंढती हूँ किधर पुष्कर ने पार्क किया है। किधर है भाई, और भी आगे? बाय श्री, बाय श्री। दूध वाला भी आएगा, तुम आगे नीचे। सो गाइज मैं चली, और ये देखो मेरी लाडो। बाय बेबी, बाय बाय। चलो आती हूँ। सो चलिए चलो काम में। ओह गॉड। सो गाइज ये होता है, हाँ मैं कह रही थी, ये होता है डिमेरिट्स, पॉजिटिव और निगेटिव होती है ना कोई भी चीजों की। तो ये चीज है निगेटिव, न्यूक्लियर फैमिली की ये चीज निगेटिव हो जाती है। बिकॉज आपको बेबी को ना, मैं अभी एक केयर टेकर देख रही हूँ, बट फिर पुष्कर कहते कि वो कुछ बोल नहीं पाएगी अगर ऊंच नीच कुछ करती है। मतलब भरोसा तो आपको करना ही पड़ता, अल्टीमेटली किसी के पास ऑप्शन नहीं होता है, तो अपने बेबी के लिए रखते ही। अगर हम लोग जॉब पे होते और अलग रह रहे होते मॉम डैड से, सो हम लोग को तो अल्टीमेटली रखना ही पड़ता है। अदरवाइज जॉब कितना दिन तक आप छोड़ के बैठे हो गए, आपकी इतनी ज्यादा लाइबिलिटी है। तो दोनों को तो मस्ट है आज की डेट में जॉब करना, हस्बैंड वाइफ। सो ये सब दिमाग में चलता है गाइज, बट क्या ही कर सकते हैं, काम भी करना होता है। बस ये चल रहा है अभी लाइफ का फेज, जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिर देखो श्री इतनी बड़ी भी हो गई है, और धीरे धीरे ये भी फेज खत्म हो जाएगा, फिर स्कूल जाने लगेगी, फिर हम लोग ओल्ड होने लगेंगे। मुझे तो इस बात का ही डर रहता है कि यार मैं अभी तो बच्ची थी, अभी तो इधर उधर इस एरिया में घूमते रहती थी, कॉलेज जाया करती थी, इतना स्कूटी स्पीड चलाया करती थी, और अभी तो देखो मुझे स्कूटी पे बैठने से डर लगता है।
सो या ये सब होता है डे बाय डे आपके लाइफ में चेंजेस। और मैं बाद में बात करती हूँ, व्लॉग को यहाँ पे पॉज करती हूँ, मीटिंग फिनिश करती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ, आप लोग से बात करती हूँ। गाइस मेरी मीटिंग हो गई है ओवर, अब मैं जा रही हूँ अपने घर, घर फिर मिलती हूँ आपको घर पे। देखो श्री आ गई है अपने इवनिंग में, क्या चाहिए श्री? मन छोटा वाला चाहिए। बस गाइस ये रहा मेरा सोसाइटी, सामने ही शॉप हुआ करती है, ये बहुत ही अच्छा है, आपको नीचे उतरते ही सब्जी वगैरह मिल जाएगी, ये भी बहुत कन्वीनियंट है। और बस बेबी का हो गया आज का चॉकलेट का कोटा, पुष्कर का गेटअप आप देख रहे हो वो रेडी है इवनिंग वॉक के लिए, पर्टिकुलर वो 7 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं और मैं और श्री नीचे बैठेंगे एक दूसरे से बातें करेंगे, श्री चॉकलेट खा रही है, ये देखो कितने प्यार से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर। डिनर बना दिया, ऑमलेट चपाती और गोभी की सब्जी, देखो अविनाश भी ऑफिस से आ गया है। और बस दैट्स इट गाइस फॉर टुडे व्लॉग, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर ब्यूटीफुल चैनल व्हिच इज डे अनदर डे, बाय बाय।